इससे खाली करना है और इसको रवाना करना है। वो पीएच लेवल बेसिकली यही होता है कि आपका पीएच लेवल होना चाहिए 7, ना कम ना ज्यादा। अगर थोड़ा ज्यादा है तो दिक्कत नहीं है, 8 तक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां आपका पीएच लेवल 0 की तरफ बढ़ता है, इसका मतलब आपकी बॉडी एसिडिक हो गई है। एसिडिक होने के बाद क्या होता है कि आप जितनी भी चीजें खाएंगे पिएंगे, बॉडी में जो भी लक्षण आपको दिख रहे हैं बीमारी का, उसको या तो वो कंटिन्यू करेगा या बहुत स्टेबल कर देगा, या फिर उसको 0 की तरफ लाएगा डॉक्टर, या फिर उसको अपने मेडिसिन से 7 की तरफ लाएगा। डॉक्टर पे निर्भर है और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अब इम्यूनिटी बनाना बिगाड़ना सब उसके हाथ में होता है, क्योंकि आपको वो पीएच लेवल के बारे में कुछ नहीं मालूम होता। ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, इसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो आपके पीएच लेवल को 7 की तरफ लाते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि एक एक प्रोडक्ट का बताना बहुत मुश्किल है। जैसे सर ने अभी बताया था डेली सुपर फूड, इसके अंदर एल्केलाइन प्रोडक्ट है जो कि आपको एल्केलाइन बॉडी को बनाता है। वो बेसिकली आपकी जो एसिडिक बॉडी है उसको वो 7 की तरफ लाता है। अगर ये 8.5 भी हो गई तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जैसे ही ये 7 के पास आएगा आपको खुद फील होगा एक्टिवनेस, हल्कापन बॉडी में और चुस्ती फुर्ती के साथ। मतलब आपको शाम को भी आप जब घर पहुंचेंगे तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी। वो नहीं इसलिए हो रही है क्योंकि आपका एल्केलाइन लेवल एकदम एक्यूरेट 7 के आसपास है। अब हर प्रोडक्ट का एल्केलाइन लेवल निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप गूगल पे भी थोड़ा सर्च कर सकते हैं। और इसकी जो खासियत ही है, इसके एक चीज जो रह गई थी वो ये थी कि ये डिटॉक्सिफाई करता है। बेसिकली सर ने कई रूप से बता दिया डिटॉक्सिफाई के बारे में, वो शब्द जिसमें एक मिस हो गया वो यही है। आपकी बॉडी से जितने टॉक्सिक हैं जो आपकी लीवर डाइजेस्ट नहीं करती या उसको बाईपास कर देती है, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं कहीं ना कहीं। और वो बॉडी में जहां भी जाके जम जाता है, वेन में, मसल में या वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन में, उसकी खराबी का कारण यही होता है टॉक्सिक। वो आप खाने में भी खा रहे हैं, चाहे वो आटा हो, जैसे बताया कि भी आटे में यूरिया भी आ रहा है तो आपके पेस्टिसाइड भी आ रहे हैं, जितने अपने डेयरी प्रोडक्ट है उसमें भी आपके टॉक्सिक आ रहे हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन है, या वो चारा खा रहा है तो वो भी पेस्टिसाइड वाला है जानवर, तो वो कहीं ना कहीं आपका लीवर उसको फेस कर रहा है। जहाँ तक वो इम्यूनिटी आपकी काम करती है उसको कंट्रोल करता है, नहीं तो बाईपास करता है। और बाईपास जब वो ब्लड को मिलकर आपके बॉडी में जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोडक्ट इसमें अवेलेबल है, फुली ऑर्गेनिक है, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आप इसको कैलकुलाइज या एलोपैथी से लेना चाहते हैं तो उसके थ्रू आपको फायदा तो होता है, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, रेगुलर नहीं रहेगा। इससे आप लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, और ये तभी आपके पॉसिबिलिटीज है जब आप ये प्रोडक्ट